महोदय, आज नए भारत को बनाने में हमें देखना पड़ेगा कि कुछ हितों में संघर्ष है। कुछ लोग हैं जो स्थिर स्वार्थ वाले हैं, जो परिवर्तन नहीं चाहते हैं, और कुछ लोग हैं जो परिवर्तन चाहते हैं। विशाल जनता चाहती है कि समाज में परिवर्तन हो, तो जब यह संघर्ष है और जब हमने आपस में तय कर लिया और हमारे देश ने सिद्धांततः एक चीज़ को मान लिया कि हम अहिंसा के जरिए शांतिपूर्ण तरीके से संसदीय प्रणाली से ही नया समाज बनाना चाहते हैं, हम खून खराबा नहीं करना चाहते हैं, जो समाजवादी तरीके हैं उनसे हम काम करना चाहते हैं, साम्यवादी तरीके को हम नहीं मानते हैं। अगर हम जनतांत्रिक तरीकों से चलना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि हम संविधान को वह शक्ति दें जिसको अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं। उपसभापति जी, मैं संक्षेप में 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। हमारी संसद 3 भागों में विभक्त है। अकेले लोकसभा का नाम ही संसद नहीं है, अकेले राज्यसभा का नाम भी संसद नहीं है, अकेले राष्ट्रपति का नाम भी संसद नहीं है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलाकर संसद का निर्माण होता है। कोई भी बात या कोई भी कानून जब जनता के हित के लिए बनता है तो उसको इन तीनों ही भागों से निकलना पड़ता है। लोकसभा किसी चीज़ पर विचार करती है, फिर उस पर राज्यसभा और दूसरे ढंग से विचार करती है और उदारता के साथ और गंभीरता के साथ निर्णय लेती है। तब राष्ट्रपति के पास वह विधेयक स्वीकृति के लिए जाता है, राष्ट्रपति की उस पर मुहर लगती है और वह संसद का निर्णय कार्यान्वित होने के लिए चला जाता है। ऐसे कई विधेयक आए हैं जब लोकसभा ने उसे स्वीकृति दी और राज्यसभा को उस पर स्वीकृति ना हुई, वह फिर लोकसभा के पास स्वीकृति के लिए चला गया। फिर लोकसभा ने अपने स्टैंड को ज्यों का त्यों रखा तो फिर राज्यसभा के पास स्वीकृति के लिए वह आया। एक समय ऐसा भी हुआ, मैं उस समय लोकसभा का सदस्य था, जब इस प्रकार का प्रकरण आया था और वह प्रकरण दहेज प्रथा के ऊपर था। लोकसभा ने दहेज प्रथा विधेयक को पारित किया और फिर उसके ऊपर लोकसभा ज्यों की त्यों अड़िग रही। फिर राज्यसभा के पास वह आया, राज्यसभा ने भी अपने विचार को ज्यों का त्यों रखा और लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद की स्थिति आई तो उस पर एक संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया। स्वतंत्रता के बाद शायद पहला अवसर था जब लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हुई थी और संयुक्त अधिवेशन के अंदर गंभीरता से उस पर विचार किया गया और उस विधेयक को पारित किया गया। पर यह बात समझ में नहीं आती कि जब संविधान में कोई संशोधन आए उस समय ऐसी स्थिति ना आए, इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों चर्चा कर लें। महोदय, आज चुनाव पर बल हावी है और जिन लोगों के पास काला धन है वे राजनीतिज्ञों को खरीदते रहते हैं, वे राजनीतिक दलों को खरीद रहे हैं, इसीलिए इस बात की आवश्यकता है कि चुनाव कानून में व्यापक संशोधन होना चाहिए। लेकिन इस बात की चर्चा राष्ट्रपति के अभिभाषण में नहीं है। यह बात इस बात को सिद्ध करता है कि सरकार का इरादा चुनाव कानून में संशोधन करने का तनिक नहीं है। वर्तमान अभिभाषण में राष्ट्रपति जी ने सरकारी आयोग की चर्चा की है और उसमें उन्होंने यह कहा है कि सरकारी आयोग की रिपोर्ट आ गई है, यह रिपोर्ट केंद्र तथा राज्यों के संबंध के सिलसिले में है और इस पर राज्यों की राय लेने के बाद सरकार इस पर विचार करेगी। सन 1983 से केंद्र और राज्यों के संबंध में सरकारी आयोग की नियुक्ति हुई थी और करीब करीब 4 साल तक सरकारी आयोग ने मेहनत करके, लोगों के बयान ले करके, लोगों की राय ले करके सरकार के पास अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। मैं सरकारी आयोग के केवल एक पक्ष की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा और वह है राज्यपालों की नियुक्ति के संबंध में।
रिपोर्ट सरकार के पास आ गई है और सरकार के पास विचाराधीन है। राष्ट्रपति जी ने स्वयं कहा है कि सरकार इस सिलसिले में राज्यों की राय लेगी, लेकिन मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि सरकार या आयोग की रिपोर्ट सरकार के पास आ गई। लाखों लाख रुपए इस पर खर्च हुए होंगे, लेकिन उसका उल्लंघन किया गया, उसको दरकिनार करके राज्यपालों की नियुक्ति की गई। राज्यपालों के पद वाद विवाद के बन चुके थे। सन 1959 में विधिवत निर्वाचित सरकार थी, उसके मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया गया और तब से राज्यपाल के पद पर बराबर यह आरोप लगाया जाता रहा कि राज्यपाल केंद्र के इशारे पर काम करता है, केंद्र सरकार के एजेंट के तौर पर काम करता है। इन सारी चीज़ों के बारे में सरकार या आयोग ने अपनी संतुति दी। यह भी उन्होंने कहा कि राज्यपाल के पद पर ऐसा आदमी नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए जो सक्रिय रूप से राजनीति में हो। दूसरी संस्तुति यह कि अगर किसी प्रदेश में विरोधी दल की सरकार है तो वहाँ पर ऐसे व्यक्ति को नहीं भेजना चाहिए जो किसी दूसरे दल में सक्रिय राजनीति में हिस्सा लेता रहा हो। जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में जब राज्यपाल के पद पर विचार विमर्श हो रहा था उस समय यह कहा था। इसी तरह से जो कॉन्स्टिट्यूट रिफॉर्म कमेटी थी उसने इस सिलसिले में अपनी राय दी, लेकिन अभी हाल में 3 या 4 राज्यपालों की नियुक्ति की गई। एक राज्यपाल तो महिला सदस्य हैं जो इसी केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सदस्य थीं, दूसरे एक ऐसे राज्यपाल जो सक्रिय रूप से राजनीति में थे। और सरकार या आयोग ने यह भी कहा कि केंद्र और राज्यों के संबंध अच्छी तरह से चलते रहें, उनके संबंधों में सुधार हो, रिश्ते अच्छे हों, इसलिए जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनसे भी राय लेनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।